बात आलोक शर्मा, आई डोंट नो कि आपने वैक्स म्यूजियम जो है मैडम टुसार्ड्स का या सिंगापुर में या लंदन में आपने विजिट किया या नहीं किया, मेरी जानकारी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रेप्लिका होते हैं। रेप्लिका के अंदर हम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना सकते, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता नहीं है सारनाथ से ये लिया गया है, 19-20 का अंतर चलता है, इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना? और शेर तो स्वभाव से ही एक एग्रेसिव जानवर माना जाता है, सौम्य तो माना नहीं जाता किसी भी श्रेणी में। अगर शेर सौम्य माना जाएगा तो फिर क्या होगा? सिंह गर्जना होती है कि शेर की गर्जना? एक्ट का जो गौरव जी ने जहां तक पढ़ा उसके बाद मैं एक सेंटेंस पढ़ देता हूं। शेल कंफर्म टू द डिजाइन एज सेट आउट इन अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 ऑफ द एक्ट। ये उसी का अगला सेंटेंस है जो गौरव जी ने जी, नहीं जी, आपने गौरव की बात का जवाब दिया, मेरे पॉइंट का भी जवाब। शेर एक एग्रेसिव जानवर है, उसमें भी आ रहा हूं। चलिए अब भाई, एग्रेसिव तो चीता भी है, तो शेर की जगह चीते को बैठा दीजिए। चीता तो बैठा नहीं है ना, भंगे माता मौर्य आर्किटेक्चर का एक नहीं, एग्रेसिव तो सभी जानवर हो जाते हैं एक टाइम पे, बिल्ली भी एग्रेसिव हो जाती है, कुत्ता भी एग्रेसिव हो जाता है, और उसका उनकी तो नहीं दिखा सकते ना, तो शेर है तो शेर ही दिखेगा। मैं वही कह रहा हूँ, तो एग्रेसिव होना, मैं ये आप ही की बात कह रहा हूँ, आप ही खुद ही अपनी बात कर रहे हैं कि भाई एग्रेसिव होता है वो नेचर से, तो एग्रेसिव तो बहुत लोग और भी होते हैं, बहुत जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं एग्रेसिव। आपने बोला ना सौम्य दिखना चाहिए, पर शेर तो अपने आप में एग्रेसिव है। चीता भी तो होता, फिर चीता क्यों नहीं लिया? अगर एग्रेसिव उसका मकसद केवल ऐसा नहीं था उसको वहां पर शेर को बैठाने का, उत्तर दे दूं कि भाई वो एग्रेसिव है इसलिए बैठाया गया है। अगर शेर एग्रेसिव है इसलिए बैठाया गया, अरे आलोक भाई आपको हम कहते हैं तो आपको हम शेर दिल कहते हैं, आपको हम कहते हैं तो शेर दिल कहते हैं, चीता दिल थोड़ी कहते हैं, शेर दिल आदमी है आलोक भाई। मुहावरा है और अच्छी बात है, शेर दिल कहना चाहिए, लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि अभी तक दो डिबेट्स में मैं रहा, बीजेपी के दो प्रवक्ताओं ने कहा उसमें कोई बदलाव ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव है, बदलाव अच्छी चीज है, बदलाव होना चाहिए, तो बीजेपी सबसे पहले तो ये बताए कि बदलाव है कि नहीं। फोटो में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 20 मूर्तिकारों के मैसेजेस आ चुके हैं कि उसमें बदलाव है, सामने दिखाई भी दे रहा है। दूसरी चीज, अब बात यह है कि केवल क्या प्रतीक चिन्हों, आपने तो मोदी को हिटलर कह दिया, हुआ क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने बनाया ये सब कुछ? एक मिनट, आपने तो मोदी को हिटलर कह दिया इसके चलते, आपने कहा ना ये हिटलर शाही। नहीं मुझे, मैं तो, हम तो जानना चाह रहे हैं अमीश जी, आज पूरा देश जानना चाह रहा है न्यूज 18 की डिबेट से कि जो बदलाव हुआ इस बदलाव के पीछे कौन है। जवाब, जवाहर सरकार ने भी बहुत कुछ कहा है, महुआ मोहित्रा ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए ऐसा है, बदलाव किसने किया, किसके कहने से हुआ, सीधा सवाल है अमीश जी। जवाहर सरकार से कह रहे हैं मोदी वर्जन है, नरेंद्र मोदी जी से इनको, हाँ मैं बता रहा हूं अमित जी, इनको नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है कि जो कार्य सरकार करेगी तो उसका विरोध करेंगे, ये बिना जाने वो देश हित में है या नहीं है, और खुद कोई कार्य नहीं करेंगे, चाहे सत्ता में हो पॉलिसी पैरालिसिस वाली यूपीए की सरकार, चाहे विपक्ष में हो, केवल डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जो एक्ट है मेरे हाथ में अमित जी, इसमें ही अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं इनको ज्ञान दे देता हूं, इसमें दो तरह के सारनाथ के स्तंभ हैं, ये देखिए एक कागज, ये सारे दर्शक देखे और ये दूसरा देखिए दो, ये क्यों है, प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक जो चार चीजें पांच चीजें अनिवार्य है वो मैंने बता दी और उसका पालन सरकार ने किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमको बुलाया नहीं गया, अरे जब शिलान्यास हो रहा था नए संसद भवन का तो आपको बुलाया गया था, तो ये देखिए मेरे हाथ में एक प्रेस की रिलीज है, ये लोग वहां गए नहीं, मुंह फुला के बैठ गए, रोंदू बन के रो रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया, जब बुलाते हैं तो आते नहीं है, और वैसे कहते हैं हमें बुलाया नहीं गया, पहले तो तय कर लीजिए आप खड़े कहां हैं, आपको जब बुलाया तो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि स्पीकर जो है उनको करना चाहिए था इसका अनावरण। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 79 देखिए आप संविधान का, पार्लियामेंट मींस राष्ट्रपति और स्पीकर और जो उपसभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति है, सभापति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। आप मुझे बताइए
किससे इनॉग्रेशन कराए? पार्लियामेंट में तो सब आते हैं, और इसका निर्माण कौन करा रहा है? सरकार। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, जवाब, और प्रधानमंत्री जी ने किया है तो क्या वो परिचायक नहीं है भारत की जनता के और उनके मन? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आपने बहुत कुछ कहा, आपने रोंदू कहा, आपने बोला जब बुलाते हैं तो ये आते नहीं है। कांग्रेस को तो बुलाया भी गया था, लेकिन कांग्रेस ने तब विरोध दर्ज कराया था आलोक शर्मा नए संसद भवन का। क्या आपको लगता नहीं है आपने जीएसटी का भी विरोध किया, आपने संसद भवन का भी विरोध कर रहा है? ये तो संकेतिक चीजें होती है। संसद भवन तो नया बनना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट को कवर करा है, कोई भी पत्थर कहीं से भी गिर जाता है, वहां पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वहां पे इतने हमारे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं वहां की। आप देखिए बिल्डिंग की जर्जर स्थिति हो चुकी है, 100 साल हो चुके हैं उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को। नई पार्लियामेंट तो अनिवार्य थी, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे उस पार्लियामेंट को मैं 20 साल से मैं कवर कर रहा हूं, इसलिए मैंने बात को बोला। मुझे नहीं पता था कि वहां पत्थर वत्थर गिर जाते हैं, इसलिए दूसरी संसद बन रही है। नहीं, ये समस्या है। अगर आप किसी भी, अगर आप अपने अपने फेलो पार्लियामेंटेरियन से भी, आप कुछ फेलो पार्लियामेंटेरियन से भी पूछेंगे तो बताएंगे कि पीछे की तरफ जो संसद भवन का अंदर का हिस्सा है, जो पुरानी इमारत, जो पुराने रूम्स है, वहां पर कई बार पत्थर गिरा हुआ है। एक बार ही नहीं, कई बार गिरा हुआ है, कई बारिशों में गिरा हुआ है। अमीश जी, मुझे नहीं पता था, आपने बता दिया, दर्शकों को भी पता चल गया कि पत्थर गिर गए थे, इसलिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। संसद केवल, आपको लगता है नहीं बननी चाहिए नई संसद? मसाले की दीवार और इमारत नहीं है, इमारत नहीं है। अच्छा, नई संसद नहीं बननी चाहिए, लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन इस सरकार को पूरी तरह से सत्य से परहेज है। अच्छा, नई संसद नहीं बननी चाहिए आपको लगता है? 10 मिनट में, एक मिनट, आप अमीश जी, आप, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए ना, मैं तो पूरा आपको मौका दे रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नई संसद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? पत्थर गिर रहे थे, आपने बनवा ली, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ नई संसद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? आपकी बात का, पत्थर गिर रहे थे, 20,000 करोड़ रुपया लगाकर नई संसद बनाई जाए और भुखमरी के इंडेक्स में 10 पॉइंट नीचे चले जाए, बेरोजगारी चरम पर हो, तो सवाल खड़े होते हैं। 10 मिनट में 14 बिल पास हो जाए, 30 मिनट में 27 बिल पास हो जाए, 31 आपकी परेशानी क्या है, नई संसद या अशोक स्तंभ? पहले यूपीए 1 और यूपीए 2, आपको ज्यादा परेशानी किससे है, अशोक स्तंभ से या नई संसद से? मुझे लगता है अशोक स्तंभ में जो बदलाव हुए वो बदलाव नहीं होने चाहिए थे, और अगर बदलाव करने थे तो उसका कोई संसदीय तरीका होना चाहिए था। हम तो पूछना चाहते हैं क्या कारण है कि बदलाव हुए हैं, उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा है बदलाव क्यों हुए। डॉक्टर अजय आलोक, किसकी परमिशन से बदलाव हुए? सौम्य दिखना चाहिए, नई संसद में फिजूल का खर्चा हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, हमें बुलाया नहीं जाता। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शेर आपने देखा है।